नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने नीरो मैजिक चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा आप जानते हैं, हम सुपर हीरो सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हाजिर हूं कंपाउंड इंटरेस्ट के सेकंड पार्ट के साथ आप लोगों के लिए और भी जुझारू और धमाकेदार कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स के साथ, जो आपको बेहद पसंद आने वाला है। और जिन साथियों ने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है, उनसे अनुरोध है कि पहले वो जरूर देख लें, ताकि उनको कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीरो है। मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। साथियों, ये सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। यहां हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। अगर ऐसा ही अंड होता है किसी भी सम पर, तीसरे साल का ऐसा ही है साथियों, ध्यान से देखिए, तीन सालों का ऐसा ही नहीं है, थर्ड ईयर यानी सिर्फ तीसरे साल का 2000 दिया गया है और सीआई दो सालों का मिलाकर हमें गिवन है 4160। अब साथियों देखिए, सम तो सेम है और हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। आप ध्यान से देखिए और समझिए कि आप देखते ही सवाल को कैसे चुटकियों में निकाल सकते हैं। आप समझिए कि ऐसा ही पहले साल का 2000 है तो आपको पता है कि सीआई भी पहले साल का 2000 ही होगा। अब दो सालों का सीआई आपको 4160 दिया गया है, यानी अगर पहले साल का 2 है तो दूसरे साल का 2160 होगा। अब आप देखिए कि 2000 से 2160 हो जाता है, यानी 2000 पे 160 इंटरेस्ट मिला, यानी आप देखिए कि 2 8 जा 16 होता है साथियों, और यही 8% हमारा आंसर है। तो बताइए कैसा लगा साथियों। इसी तरीके से आपको इन सवालों को सॉल्व करना है, जिससे आप ऐसे सवालों को माइंड में ही सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब अगला सवाल देखिए। साथियों यहां देखिए कि गोपू ने 5000 रुपए सोहन को उधार दिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10% रेट के हिसाब से दो सालों के लिए। अब सोहन ने उसी पैसे को आगे लारा को दे दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट से 15% रेट के हिसाब से, लेकिन आ ईयर यानी सिर्फ एक साल के लिए। तो बताना है कि सोहन को कितना मुनाफा या हानि हुई। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के सवाल बहुत ही आसान होते हैं सॉल्व करना। अब यहां देखिए और समझिए, अगर ये है हमारा गोपू, यहां हम ले लेते हैं सोहन और यहां हमारी लारा। आप देखिए, गोपू ने सोहन को पैसे दिए 10% रेट के हिसाब से दो सालों के लिए। तो आप देखिए, पहले साल का 10% दूसरे साल का 11% रेट होता है, यानी टोटल 21% रेट के हिसाब से पैसे दिए गए। अब सोहन ने वही पैसे आगे लारा को दे दिए हैं 15% रेट से। अब आप देखें कि सोहन ने गोपू को 21% रेट से पैसे देने होंगे, जबकि उसने लारा को 15% रेट पर ही सिर्फ पैसे दिए। कुल मिला के आपको यहां साफ साफ दिख रहा है कि सोहन को 6% का लॉस हो रहा है साथी। और 6% किसका? तो आप देखिए, सवाल में ही 5000 दिया गया है, यानी 5000 का 6%। आप बोलेंगे कि वो होता है 300 रुपए, और साथियों यही है इस सवाल का सही उत्तर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब साथियों ये सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। यहां बोल रहा है सम अमाउंट ऑफ मनी किन्हीं रुपए को लेंट आउट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाया जाता है 20% के रेट से दो सालों के लिए। अब ये बोल रहा है कि 482 रुपए ज्यादा मिलते अगर उसी अमाउंट को कंपाउंडेड हाफ ईयरली पर लगाया जाता, तो बताया जाए कि प्रिंसिपल क्या था। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के सवालों को भी आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। आप जरा यहां देखिए, अगर मैं सिर्फ एनुअली की बात करूं, अगर एनुअली की बात किया जाए तो आपको पता है कि अमाउंट बटा प्रिंसिपल होता है। जहां आप देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहां 20% दिया गया है, 20% का मतलब होता है 1/5, जिसे मैं कह सकता हूं कि 5 रुपए जो है वो अमाउंट 6 रुपए बन जाएगा। और कितने सालों में साथियों? तो आप बोलेंगे 2 सालों में, क्योंकि सवाल में यही दिया गया है। यानी मैं कह सकता हूं कि 36 रुपए अमाउंट बन जाएगा अगर 25 रुपए लगाए जाते तो। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ आई है साथियों। अब आप हाफ ईयरली का देखिए, हाफ ईयरली में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा साथियों, अमाउंट बटे प्रिंसिपल। लेकिन
आपको पता है जो रेट है हाफ ईयरली में वो 2 से भाग हो जाता है, यानी 20% का हो जाएगा 10%। और इसी तरह जो टाइम होता है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी अगर 2 साल है तो वो 4 साल हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि 11 रुपए अमाउंट अगर 10 रुपए प्रिंसिपल होते हैं, अब इसकी पावर 4। मेरे प्यारे साथियों, 11 की पावर 4 को आपने बाय हार्ट याद कर लेना है, 14641 होता है। और नीचे तो आपको पता है 10 की पावर 4 यानी 10,000। अब मैं आपको यहां एक चीज समझाता हूं, आप ध्यान से देखिए और समझिए। 10% के हिसाब से साथियों, अगर मैं पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे 10% ही होता है, दूसरे साल का 11 और तीसरे साल का 12.1। अब इसी तरह और चौथे साल का हमें मिलता है 13.3। अब साथियों आप ध्यान से देखिए, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, ये हुआ आपका पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से, ये हुआ दूसरे साल का, ये हुआ तीसरे साल का और ये हुआ चौथे साल का, फोर्थ ईयर का। अब अगर मैं इनके सम की बात करूं तो आप देखेंगे पहले साल का सम तो 10% ही है, दूसरे साल के सम की बात करूं तो आप बोलेंगे 10 + 11 ये होता है 21%। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं कि 3 सालों का क्या होगा तो आप देखिए कि 21 + 12.1 आप बोलेंगे 33.1%। और यहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि 4 साल का सम क्या होगा तो आप बोलेंगे 4 साल का हो जाएगा 46.41। जी हां साथियों, ये वैल्यूज आपने हमेशा याद रखनी है 10% के केस में। कई बार सवाल आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, आप देखिए 10, 11, 12.1, 13.3, ये 4 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर सम की बात करें तो पहले साल 10%, 2 सालों का अगर सम पूछा जाए तो 21, 3 सालों का 33.1 और 4 सालों का होता है 46.41। अब देखिए कि ये मैंने आपको क्यों बताया। अब देखिए यहां हमें अमाउंट की पावर 4 दी गई थी, 11 का हमें निकालना था। अब यहां देखिए फोर्थ ईयर तक हमने सम जो निकाला वो है 46.41, बस आपने इसके आगे एक डंडा लगा दिया तो वो बन गया 14641। जी हां साथियों, अगर पावर 3 होती तो आप यहां से 33.1 को लेते और आगे एक डंडा लगा देते, वो हो जाता 133.1। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ आ चुकी है। अब देखिए आगे क्या करना है। अब हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है और यहां एनुअली का प्रिंसिपल हमें मिला है 25 यूनिट और नीचे हाफ ईयरली का 10,000, यानी हमें इसको भी इक्वेट करना पड़ेगा साथियों। तो आप बोलेंगे कि 25 को अगर मैं 400 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे 10,000 तो मिल ही जाएगा, यानी प्रिंसिपल इक्वेट हो चुका है दोनों केसेस में। लेकिन यहां साथियों मुझे 36 को भी 400 से मल्टीप्लाई करना होगा। जी हां, जिसे मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 14,400। जी हां, अब देखिए यहां जो अमाउंट है वो है 14,641 और एनुअली मिलता है 14,400। अगर मैं इनके बीच के डिफरेंस की बात करूं तो आप बोलेंगे वो मिलता है मुझे 241 रुपए और इसी की वैल्यू सवाल में मुझे 442 दी गई है, 482, यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहां पे मुझे 2 मिलती है। अब देखें और समझें, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो प्रिंसिपल 10,000 यूनिट हमने निकाला, उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जिससे हमारा आंसर हमें मिलता है 20,000 रुपए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आया है और अब आप इन तरह के सवालों को चुटकियों में निकाल पाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर। 2 सालों के लिए लगाया जाए तो 914 रुपए कम मिलते हैं। अगर उसी सम पर कंपाउंड इंटरेस्ट 10% रेट के हिसाब से लगाया जाता है 3 सालों के लिए, तो बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का क्या होगा फॉर्मर रेट से। साथियों फॉर्मर रेट यानी 5% के हिसाब से। अब आप में से कई साथी यहां गलती कर सकते हैं कि 2 सालों का सीआई निकाल सकते हैं और कई बार एग्जाम में हम भी ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। सवाल को बहुत अच्छे से सॉल्व करने के बावजूद भी कि क्या पूछा गया था उसको जल्दबाजी में ना पढ़कर हमें बहुत अफसोस होता है और हमारा आंसर गलत हो जाता है। आप इस चीज का खास ध्यान रखें, यहां सिर्फ दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया। आप सबसे पहले देखिए यहां भी 2 तरह के रेट हमें दिए गए हैं। पिछले सवाल में एनुअली और हाफ ईयरली के बीच का डिफरेंस था, यहां 2 तरह के रेट हैं, एक को 2 साल और दूसरे को 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है अलग अलग रेट से। तो आप देखिए पहले 5% के हिसाब से हम देखें तो अमाउंट बटा प्रिंसिपल
आपको पता है 21/20 होगा और इसकी पावर 2, ये हमें मिलता है 441 अपॉन में 400। इसी तरह थर्ड ईयर के लिए अब हम निकालते हैं, आप समझिए, अमाउंट बटा प्रिंसिपल 10% होगा 11/10 और इसकी पावर 3। अब याद कीजिए पिछला सवाल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, 3 सालों का सम होता है 331। अब आप देखें, मैंने बताया था आपको बस एक डंडा आगे लगा देना है, आपको अमाउंट मिल जाएगा। जी हाँ साथी, और प्रिंसिपल नीचे आपको पता है 1000 हो जाएगा। अब वही जो हमने पिछले सवाल में किया, प्रिंसिपल को इक्वेट करना है साथी, तो आप बोलेंगे कि ऊपर 400 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे 1000 को 4 से, जिससे प्रिंसिपल तो हमें 4000 मिल ही जाता है। अगर यहां भी 4 से मल्टीप्लाई किया है तो आप कहेंगे ऊपर भी करना होगा। जी हाँ, और 1331 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 5324, जबकि यहां 4410 हो जाएगा। अब आप देखें, इन्हीं का डिफरेंस हमको सवाल में 914 दिया गया है और इनका डिफरेंस हमें मिलता है 914, यानी इसी की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है 914। यानी आप देखिए, एक यूनिट की वैल्यू हमें मिलती है 1 रुपए। यानी आप समझिए कि प्रिंसिपल हमारा 4000 ही होता है। अब देखिए, सेकेंड ईयर का हमें पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मर रेट से। यानी आप देखें, 4000 है, 5% के हिसाब से 1/20 हो जाता है साथियों 200। और आगे अगर ये 20 है तो सेकेंड ईयर में ये 21 यूनिट होगा, यानी 210। बस साथियों, इतना ही करना था हमें और सेकेंड ईयर का सीआई हमें मिल चुका है, वो है 210। देखिए, इतना ही ध्यान से करना था इस सवाल को। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल बहुत अच्छे से समझ आया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं और इस सवाल को पीछे रिवाइंड करके पॉज कर करके देखें। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब अगला सवाल देखिए, यहां हमें एसआई दिया गया है 1449 3 सालों के लिए, 14/2/7% के हिसाब से। तो पूछ रहा है कि सीआई क्या होगा अगर वही सम 2 सालों के लिए लगाया जाए उसी रेट के हिसाब से। तो सबसे पहले साथियों देखिए, अगर 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 1449, तो आप इसको 3 से भाग करके निकाल सकते हैं कि 1 साल का फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आपका मिलता है 483। जी हां साथियों, यानी आप ये भी समझिए कि अगर सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का 483 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहले साल का 483 ही होगा। अब आप देखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14/2/7, यानी 1/7 होता है। अगर पहले साल 483 है, यानी पहले साल अगर 7 यूनिट है तो दूसरे साल 8 यूनिट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब आप देखिए कि अगर 7 यूनिट पे 483 है तो इसको अगर मैं भाग करूं तो मुझे मिलता है 69। ठीक है साथियों, अब आप देखिए कि अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 552। बस इतना सा हमें करना था और हमारे पास हमारा आंसर, पहले साल का सीआई हमारे पास है 483 और दूसरे साल का हमने निकाल लिया है 552। अब इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 1035, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हुआ। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा साथी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अब ये सवाल देखिए, यहां पे डिफरेंस दिया गया है एसआई और सीआई के बीच फोर्थ ईयर का। ध्यान से देखिए और समझिए, फोर्थ ईयर 4 सालों का नहीं, सिर्फ चौथे साल का 728 रुपए, 20% रेट के हिसाब से। तो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल सम क्या है। मेरे प्यारे साथियों, चौथे साल का डिफरेंस आप यहां समझिए कि पहले साल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और फोर्थ ये। अब हम निकालेंगे, 20% यानी 5 से 6 हो जाता है, ये 5 से 6 हो जाएगा और अगर ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा। अब जैसा मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले भाग में सिखाया था साथियों, इनको एक लाइन में लिखने का तरीका, आप समझिए कि जितने 5 आपको यहां दिख रहे हैं लाइन से उसको मल्टीप्लाई करिए, वो होता है 125। अब आप यहां देखिए, आप इतने हिस्से को मल्टीप्लाई कर देंगे
जिससे हमें मिलता है 150। और तीसरे साल के लिए आप देखिए, आपको इतने हिस्से को मल्टीप्लाई करना है जिससे मिलेगा 180। और चौथे साल के लिए आप जितने 6 हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6³। आपको पता होनी चाहिए कि 216 होता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस तरीके से निकालने में कंफ्यूज हैं तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं। पहले साल का अगर आपके पास है 125 तो आपको पता ही है, अगर ये 5 है तो दूसरे साल 6 होता है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू अगर ये है तो 6 यूनिट की क्या होगी, और इसी तरह आगे की आप निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पैटर्न समझ आ गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरीके से निकालना सीख लें, एग्जाम में काफी आपका टाइम बचेगा। अब साथियों यहां देखिए कि चौथे साल का डिफरेंस, आपको पता है कि अगर सीआई ये है तो एसआई पहले साल 125 है तो हर साल 125 ही रहने वाला है, क्योंकि एसआई कभी नहीं बढ़ता है, वो हर साल सेम रहता है। अब चौथे साल यानी 216 माइनस 125, और अगर इन्हें माइनस करते हैं हमें मिलता है 91 यूनिट। जी हां साथियों, और इसी की वैल्यू सवाल में 728 दी गई है, यानी यहां से हमें एक यूनिट की वैल्यू मिल जाती है 8, और हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है। आप देखिए और समझिए कि प्रिंसिपल को हमने 1/5 20% के हिसाब से किया होगा, तभी हमारा पहले साल का इंटरेस्ट 125 आया। यानी यहां से आपको पी पता चल जाता है, 125 मल्टीप्लाई बाय 5। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो 125 मल्टीप्लाई बाय 5 को भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें हमारा प्रिंसिपल मिलता है यहां पे 5000। जी हां साथियों, और 5000 ही इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब यह सवाल देखिए साथियों आपके स्क्रीन पर, यहां रेशियो सीआई का 3 साल और एसआई का 1 साल का दिया गया है किसी फिक्स्ड अमाउंट पर 3.64, तो बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे सवाल बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होते हैं। ऐसे सवालों को मैं रिकमेंड करता हूं कि इस सवाल को और इन जैसे सवाल को आप अगर ऑप्शन से ही जाएं तो हमारा काफी समय बचेगा और आप काफी आसानी से इसके सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। आप देखिए 3.64, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये सीआई है और ये एसआई, इनके बीच का रेशियो दिया गया है आपको। अगर ये 3.64 है, पॉइंट में हटा दूं साथियों, तो यहां आता है 100। अब अगर मैं इन्हें 4 से डिवाइड करता हूं साथियों, तो मुझे फाइनल रेशियो मिलता है 91:25। अब आप देखें डायरेक्ट ऑप्शन में यहां से कि ऐसी कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है जिससे एसआई 25 यूनिट बन सकता है, तो आप कहेंगे कि 20% होगा। अब ऐसा क्यों होगा, तो आप खुद देखिए, 20% का मतलब होता है 1/5, और ये वो 5 है जिससे हम समझ सकते हैं कि ये 25 बन सकता है। आप खुद देखिए और समझिए कि अगर 20% है तो पहले साल 5 और दूसरे साल 6, और दूसरे साल अगर 5 है तो तीसरे साल 6 यूनिट। अब अगर मैं इन्हें एक लाइन में लिखता हूं तो आप देखिए, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 36। जी हां साथियों, और आपको पता है एसआई तो हर साल सेम ही होता है, और आपसे 1 साल का एसआई 25 और कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों का अगर आप इनको जोड़ते हैं तो आप देखिए आपको 91 ही मिलता है। देखा साथियों, मैंने डायरेक्ट ऑप्शन से इसको कैसे निकाला, तो यहां मुझे एक हिंट मिला कि 25 है यानी 20% 25 बन सकता है, 1/5 होगा उसका स्क्वायर करने पर। बाकी आप किसी ऑप्शन को देख लीजिए, ये 25 नहीं बनेगा। और इसी तरह आपने साथियों इन सवालों को सॉल्व करना है। साथियों अभी ये सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, यहां सीआई किसी भी सम पे 2 सालों के लिए इन्वेस्ट होता है तो मिलता है 756 और एसआई मिलता है 720। अब अगर उसी सम को इन्वेस्ट किया जाए तो एसआई मिलता है 900 रुपए जब नंबर ऑफ इयर्स यानी टाइम रेट परसेंट की इक्वल हो जाए, तो बताना है न्यू रेट परसेंट क्या होगा। साथियों इस सबसे पहले तो इस सवाल को आप आराम से और ठंडे दिमाग से पढ़िए और समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। ये सवाल समझने में ही काफी समय ले लेगा आपका, और ऐसे सवाल काफी फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप देखिए, मैं दोबारा समझाता हूं आपको
कि सीआई 2 सालों का हमें 756 और एसआई 2 सालों का 720 दिया गया। अब यहां से हम प्रिंसिपल निकालेंगे और उसके बाद उस प्रिंसिपल को इन्वेस्ट करते हैं हम किसी रेट से जिससे एसआई 900 मिलता है। तो आप देखिए, और वो जो रेट परसेंट होगा वो समय के इक्वल है और उसी न्यू रेट परसेंट को हमें निकालना है। अब साथियों, इतना समझ आ गया तो आप यहां समझिए कि सीआई आपका 2 सालों का 756 दिया गया है, ये पहला साल और ये दूसरा साल। अगर मैं सीआई एसआई की बात करूं तो आपको 2 सालों का 720 दिया गया है। बस साथियों, यहीं से हमें हिंट मिलती है जहां से हम पता लगा सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। 720 अगर एसआई है 2 सालों का, तो आपको पता है हर साल 360 लगा होगा, क्योंकि एसआई इक्वल होता है हर साल, तभी 720 है। जिससे साफ है कि सीआई भी पहले साल 360 ही होगा। अब दूसरे साल कितना होगा तो आप यहां देखिए, 756 में से अगर मैं 360 माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है 396, यानी 360 पर 36 रुपए। अब आप देखिए और समझिए, इस सेशन के फर्स्ट सवाल में ही मैंने आपको रेट परसेंट इसी तरह निकालना सिखाया था। अब आप देखिए, 360 का 36 10% होता है साथियों, यानी हमें मिल गया है, रेट है हमारा 10%। अब प्रिंसिपल आप देखिए, प्रिंसिपल का 1/10 किया होगा तभी हमें पहले साल का इंटरेस्ट 360 मिला, यानी प्रिंसिपल होता है 3600। आप देखिए और समझिए, 3600 हमें प्रिंसिपल दिया गया है। अब आ जाते हैं हम अपने सवाल के दूसरे पार्ट में। अब यहां एसआई बन जाता है 900, हम लिख देते हैं 900, प्रिंसिपल है 3600 और नया रेट जो है वो टाइम के इक्वल हो जाता है, यानी मैं बोल सकता हूं आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 100। अब देखिए, मैं यहां से इसको बड़े ही आसानी से सॉल्व करता हूं तो आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे 25 मिलती है, यानी आर की वैल्यू 5%। और मेरे प्यारे साथियों, यही वो 5% है जो हमारा इस सवाल का सही आंसर है, जो हमें पूछा गया था। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। इसके असाइनमेंट जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल होगा, उसे आप ज्वाइन जरूर कर लें, जिससे आप कोई भी अपडेट एग्जाम से रिलेटेड मिस ना कर पाए और असाइनमेंट भी मिस ना कर पाए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। अब ये सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, यहां बोल रहा है अ सम ऑफ मनी एक्यूमुलेटिंग एट सीआई, सीआई पे लगा जाता है किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया जाता कंपाउंड इंटरेस्ट के बजाय, तो यहां इंटरेस्ट 2 सालों का कम हो जाता 20 रुपए से और 3 सालों का कम हो जाता 61 रुपए से। तो बताना है कि सम क्या था। साथियों ध्यान से देखिए और समझिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। यहां D2 याद कीजिए, इस सेशन की फर्स्ट वीडियो जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्स्ट पार्ट में सीखा था, मैंने आपको सिखाया था D2 CI माइनस SI 2 सालों का होता है और जिसकी वैल्यू आपको 20 रुपए दी गई है। इसी तरह D3 3 सालों का डिफरेंस आपको 61 दिया गया है। और याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला बाय हार्ट आपको याद कर लेना है ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। आप देखिए और समझिए कि D3 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 3D2 प्लस D2R%। आप देखिए कि 3D2 आपको कितना दिया हुआ है, 20, यहां हमने बस पुट कर देना है और ये है हमारा R%, और D3 की वैल्यू आपको दी गई है 61। अब आप यहां से देखें तो हमें R% मिल जाता है जो होता है 1/20, जिससे यह साफ है कि अगर इंटरेस्ट पहले साल 20 था तो दूसरे साल 21 लगा होगा। अब देखिए कि प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे प्रिंसिपल भी 1/20 हुआ होगा, तभी पहले साल का इंटरेस्ट 20 यूनिट था, यानी मैं कह सकता हूं कि प्रिंसिपल यहां से 400 यूनिट आपको मिलता है। अब आप देखिए कि एसआई तो हर साल सेम ही होता है, यानी पहले साल अगर 20 है तो दूसरे साल 20, और दूसरे साल का डिफरेंस एसआई और सीआई के बीच 1 यूनिट है, जिसकी वैल्यू आपको सवाल में 20 दी गई है। बस साथियों, इतना सा ही काम था। अब देखिए, 1 यूनिट की वैल्यू आपने 20 निकाली हुई है और प्रिंसिपल आपके पास 400 यूनिट है,
यानी इसको 20 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 8000। और यही इस सवाल का सही आंसर है साथी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया। जिन साथियों को समझ नहीं आया है, उन्होंने या तो पहली वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट की अच्छे से नहीं देखी है या खुद से प्रैक्टिस नहीं किया। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपको स्पीड बढ़ाने के लिए। चलिए अब अगला सवाल देखिए, ये आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर यहां दो दोस्त हैं, ए और बी। दोनों ने मिलकर 81,600 इन्वेस्ट किया 4% रेट के हिसाब से, जिसमें 2 सालों के लिए ए के पास जितने पैसे आए वो इक्वल थे बी को जितने मिले 3 सालों के बाद। तो बताना है कि बी के हिस्से में कितनी इन्वेस्टमेंट थी। मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ उसी तरीके का सवाल है जो हमने अपने पिछले सेशन यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्स्ट पार्ट में किया। उसमें एक सवाल था जिसमें एक आदमी ने अपने 2 बेटों के नाम वसीयत दी थी, जिसमें दोनों बेटे जब तक 40 साल के ना हो जाएं उनको इक्वल अमाउंट ना मिले। साथियों, कुछ उसी बेस का सवाल है। जिन्होंने वो सवाल नहीं देखा वो इस कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट वीडियो को जाके जरूर देख लें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। आप यहां समझिए और देखिए 4% का मतलब क्या होता है। तो आप बोलेंगे 1/25। अब अगर मैं इसको अमाउंट बटा प्रिंसिपल के फॉर्म में लिखता हूं तो आप बोलेंगे 25 जो है वो 26 रुपए हो जाएगा। साथियों, यही वो अमाउंट है दो जो इन्वेस्ट किया गया ए और बी के द्वारा। तो हमें बताना है कि ए का कौन सा था और बी का कौन सा था। तो यहां आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है साथियों। आप देखिए, ये है ए की इन्वेस्टमेंट, ये है बी की। ए की इन्वेस्टमेंट जितनी थी 2 सालों के लिए और उसको इक्वल पैसे मिलते हैं, जब बी की इन्वेस्टमेंट जितनी थी 3 सालों के लिए। अब साथियों, बात यहां यह है कि ए को ए के अकाउंट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई या बी के अकाउंट में। तो आप बोलेंगे ए के अकाउंट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई होगी और बी के अकाउंट में कम। ऐसा क्यों? आप देखिए कि ए के अकाउंट में जितनी इन्वेस्टमेंट हुई वो सिर्फ 2 सालों के लिए हुई, फिर वो पैसे आ गए। जबकि बी के हिस्से में जो इन्वेस्टमेंट हुई होगी वो 1 साल और रही होगी, जिसे इंटरेस्ट उस पर और लगा होगा, तब पैसे मिले और ये दोनों इक्वल हुए। बस साथियों, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है आपको। यानी मोटे मोटे तौर पे आपको ये पता होना चाहिए, जिसको ज्यादा साल लग रहे होते हैं ऐसे सवालों में उसके पास कम पैसे इन्वेस्ट किए गए होते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि बी के हिस्से में 25 यूनिट और ए के हिस्से में 26 यूनिट स्पेंड हुआ है, इन्वेस्ट हुआ है। अब आप देखें, टोटल इन्वेस्टमेंट अगर मैं 26 और 25 को ऐड करता हूं, मुझे यहां मिलता है 51 और इसी की वैल्यू सवाल में दी गई है 81600, यानी एक यूनिट की वैल्यू होती है 1600। अब आप देखें, बी का इन्वेस्टमेंट हमसे पूछा गया था जो हमने निकाला है 25 यूनिट, हम इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जिसे हमें मिलता है 40,000। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने अगर समझ के कोई भी सवाल कर लिया तो आप एग्जाम में किसी भी सवाल में नहीं फंसेंगे, बजाय इसके कि रट्टा लगाएं। तो आप इसको ध्यान से जरूर देख लें, बैक जाके देखें और कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट भी आप जरूर देख लें, जिसमें इस तरीके का सवाल मैंने करवाया हुआ है, जिससे आपके डाउट और क्लियर हो जाएं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों, ये सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। यहां सोहन ने लोन लिया है 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर और इसको दे दिया है लारा को 16% पर, हाफ ईयरली के लिए दिया है साथियों इस पर, और इसका जो गेन होता है वो होता है 4,080 रुपए का। तो बताना है कि लोन का अमाउंट क्या था। साथियों, ध्यान से देखिए और समझिए कि 8% रेट के हिसाब से पहले साल जो इंटरेस्ट लगा वो 8% लगा। अब आप देखिए कि दूसरा, जो सोहन ने लारा को पैसे दिए वो 16% रेट के हिसाब से थे, हाफ ईयरली, यानी 16 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो वो भी 8% आता है। अब आपको पता है कि साल में 2 बार लगेगा इंटरेस्ट, यानी अगर पहले साल 8 है तो दूसरे साल ये 8 का स्क्वायर होता है 64, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत अच्छे से सिखाया है। अब इनका डिफरेंस तो आप देखें, 8 से 8 चला गया, यानी यही वो गेन है जो इसको हुआ और सवाल में हमें दिया है 4080, यानी यहीं से आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पी मल्टीप्लाई बाय ये रेट ही है जो आपको 408 दिया गया है, यानी प्रिंसिपल हमें मिलता है यहां से 50,000।
और साथियों यही वो आंसर है जो हमसे इस सवाल का पूछा गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया हो। चलिए अब ये सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। यहां गोपू ने इन्वेस्ट किया 3430 14.2/7% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पर। अब बताना है इसको 2/1/4 साल में कितने पैसे रिसीव होंगे। साथियों ध्यान दीजिए अमाउंट पूछा है यहां, कहीं आप कंपाउंड इंटरेस्ट ना निकाल दें जल्दबाजी में। आप ध्यान से देखिए और समझिए। 14.2/7 का मतलब होता है 1/7, यानी पहले साल 7 है तो दूसरे साल 8, दूसरे साल 7 है तो तीसरे साल 8। अब आप देखिए इसको मैं अगर एक लाइन में लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं 49, 56 और 64। अब ध्यान से देखिए साथियों और समझिए। गोपू ने जो इन्वेस्ट किया था वो 3430 किया था। अब आप देखें कि 3430 का 1/7 अगर मैं निकालूं तो वो होता है 490, यानी 49 यूनिट पर 490 है। तो एक यूनिट पर 10 हुआ, इसी तरह 56 पर वो होगा 560। अब देखिए कि हमें पूरा 3 साल नहीं, सवाल में 2/1/4 दिया गया है, यानी 64 का 1/4 साथियों हमें मिलता है यहां पे 16 यूनिट, यानी ये हो जाता है 160। अब आप देखें यही वो आंसर है जो हमसे पूछा गया था, इनको बस हम जोड़ देते हैं और हमें मिलता है 1210। अब साथियों ध्यान दीजिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया है और हमसे अमाउंट पूछा गया है। अब आपको पता है प्रिंसिपल सवाल में 3430 दिया गया है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 3430 और 1210 को तो मुझे मिलता है 4640, और यही इस सवाल का सही आंसर है। बस इन सवालों में ध्यान रखना है साथियों कि जल्दबाजी में आपसे गलती ना हो जाए, यहां कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट ना निकाल दें। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों देखिए पिछले सवाल से ही कुछ मिलता जुलता ये सवाल है। यहां देखिए आप ध्यान से, यहां सीआई पूछा गया है 32,000 रुपए पर 20% रेट के हिसाब से 2/1/4 साल के लिए ही। अब 20% यानी आपको पता है 5 से 6 हो जाता है। अगर दूसरे साल 6 है तो 5 अगर होगा तो वो तीसरे साल 6 होगा। अब अगर इसको एक लाइन में लिखें तो ये होता है 25, ये होता है 30 और ये होता है 36। अब यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें पूरा 3 साल नहीं दिया गया है, हमें 1/4 दिया गया है, यानी 1/4 ये हो जाता है 9 यूनिट। अब आप देखें कि 32,000 का अगर मैं 1/5 करता हूं साथियों तो मुझे यहां से कितना मिलता है 6400 6400 रुपए। अब आगे देखें अगर 25 यूनिट पर इतना है तो 30 यूनिट पर कितना होगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 64 × 4 256। यानी 30 यूनिट पे अगर मैं इसको निकालूं तो मुझे मिलता है यहां पे 7680। अब आप देखिए 30 यूनिट की वैल्यू अगर 7680 है तो 9 यूनिट पर कितनी होगी। आपको पता है एक यूनिट पर 256 है तो 9 यूनिट पर यानी 256 × 9 साथियों जो हमारे पास आता है 2304। बस ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है और यही हमसे सवाल में पूछा था 6400 7680 और 2304। बस इन्हें ही ऐड करना है अब और हमारा आंसर। चलिए इन्हें जोड़ते हैं जिससे हमें मिलता है 16384 और यही इस सवाल का सही आंसर है। साथियों मेरे प्यारे साथियों कई बार हो सकता है कि ये जो सवाल हमने किया जैसे तीसरे साल का 1/4 किया तो यहां आसानी से ये कट हो गया, लेकिन कई बार हो सकता है कि ये कट ही ना हो। तब ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे तो आप यहां ध्यान से समझिए। साथियों एक तरीका और बता रहा हूं आपको, आप ध्यान से उसको भी सीखिए। आप यहां देखिए कि अगर मैं इसको अमाउंट बटे प्रिंसिपल के फॉर्म में लिखता हूं तो 20% के हिसाब से 5/6 हो जाता है, ये हो गया पहले साल का। अब दूसरे साल का आप बोलेंगे यही होता है। अब तीसरे साल का हमको पूरा नहीं दिया गया है, अगर आप ये हुआ दूसरा
ये हुआ तीसरे साल का। अगर आप तीसरे साल में 6/5 को 1/4 करते हैं तो साथियों ये बिल्कुल आपका सवाल गलत हो जाएगा। आप यहां देखिए और समझिए ध्यान से, तीसरे साल का आपको पहले पूरा 20% ही लेना है और 20% का आपने 1/4 करना है। साथियों परसेंट का वो 1/4 है यानी 5%, और 5% की वैल्यू आपको पता है 1/20 होती है। यानी यहां तीसरे साल यानी 1/4 तीसरे साल का होगा 21/20। बस इतनी सी कहानी है इस सवाल की जो आपने यहां समझनी। यही वो कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आपको सॉल्व करने पर मिलता है 189/125, यानी ये हो गया अमाउंट और नीचे आ गया आपका प्रिंसिपल। अब इन दोनों का आप डिफरेंस देखिए तो वो आपको मिलता है 64 यूनिट। और साथियों 125 ये वही प्रिंसिपल है जिसकी वैल्यू सवाल में 32,000 रुपए दी गई है। यानी एक यूनिट की वैल्यू अगर मैं देखूं तो आप बोलेंगे 32 × 8, क्योंकि 125 को मैंने इस 1000 से पहले भाग कर दिया साथियों, तो ये 8 आया। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है 64 से। अब आप देखें कि यहां 64 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है जिससे हमें मिलता है 1616384, और यही हमारा करेक्ट आंसर था साथियों। मैं उम्मीद करता हूं आपको दोनों मेथड बहुत अच्छे से समझ आ चुके हैं और आप अब ऐसे सवालों को चुटकियों में कर पाएंगे साथी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। ये सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। यहां CI किसी सम पर 2/1/3 साल के लिए 10% रेट के हिसाब से 1502 दिया गया है, तो बताना है कि सम क्या होगा। साथियों देखिए 10% मैंने आपको जैसे बताया है कि 10% को तो आपने बाय हार्ट याद कर लेना। आप देखिए पहले साल 10, दूसरे साल 11 और तीसरे साल 12.1% इंटरेस्ट होता है, लेकिन तीसरे साल 1/3 दिया गया है यानी तीसरे साल हम यहां 1/3 कर देंगे। अब आप इनको जोड़िए जिससे आपको मिलता है 75.1/3%, और यही प्रिंसिपल पे लगा होगा जिससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला सवाल में 1502 जो दिया गया है। अब आप ध्यान से देखिए और समझिए, ये लगभग 751 का दुगना है साथियों। 75 × 150 होता है। अब यहां से ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा जिससे हमें मिलता है 6। अब आप देखिए 6000 ही है जो हमारा करेक्ट आंसर है इस सवाल का। साथियों यहां तक तो काफी स्टूडेंट्स एग्जाम में सवाल को लेके ही पहुंच जाते हैं। इक्वेशन से आंसर तक का सफर आप जितनी जल्दी तय करना सीख लें आपके लिए उतना बेहतर होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। ये सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। या थर्ड ईयर का CI हमें दिया गया है 294। ध्यान से देखिए और समझिए, तीनों साल का मिलाकर नहीं दिया गया, सिर्फ थर्ड ईयर का दिया गया है 294, 16/2/3% से। तो आप पूछ रहा है कि SI बताएं उसी रेट उसी सम पर 5 सालों के लिए। साथियों 1/6 होगा 16/2/3% का मतलब, और जिसका आपको मैंने सिखा रखा है 3 सालों का निकालना, आप उसी मेथड से निकालेंगे। एक लाइन में करने पर 36, 42 और 49 मिलता है। थर्ड ईयर यानी 49 की ही वैल्यू आपको 294 सवाल में दी गई है, यानी एक यूनिट की वैल्यू आपको यहां मिलती है 6। अब देखिए जो SI है वो तो पहले साल 36 यूनिट ही होगा, और 5 सालों का पूछा गया यानी 36 × 5, आप सबको पता है 180 होता है। अब एक यूनिट की वैल्यू 6 है तो 180 × 6 1080 यानी इस सवाल का सही आंसर है साथी। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल बहुत अच्छे से समझ आ गया है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। यहां देखिए 14/2/7% से। तो पूछ रहा है कि CI बताइए 1/4 साल का। मेरे प्यारे साथियों आप देखिए 14/2/7% का मतलब है 7 से 8 हो जाती है वैल्यू, और इसी 8 की वैल्यू आपको दी गई है 640, यानी एक यूनिट की वैल्यू हुई 80। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होंगी, आप बोलेंगे 560। बस साथियों अब देखिए आपको 1 साल और 1/4 साल का निकालना था। अब देखिए कि दूसरे साल में तो 640 है, इसी दूसरे साल का 1/4 अगर मैं करता हूं तो मुझे मिलता है 4
160 यानी 560 और 160 को मैं ऐड करता हूं जिससे मुझे मिलता है 720। जी हां साथी, और यही इस सवाल का आंसर है। देखा आपने कितनी क्विक हम आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। कि और इस तरह के सवालों को तो आपने चुटकियों में ही करना है साथी। चलिए अब अगला सवाल देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है साथियों। देखिए इस तरह का सवाल, यहां 243 बन जाता है 1875 16 साल में किसी रेट परसेंट से, तो बताना है कि सीआई क्या होगा 12,000 रुपए पर 4 सालों के लिए उसी रेट से। अब साथियों देखिए हम इस सवाल को कैसे करते हैं। यहां 1875 बन जाता है 243, ये है अमाउंट बटा प्रिंसिपल 16 सालों में। अब अगर मैं इसको 3 से भाग करता हूं तो आप देखिए ये होता है 81 और ये बन जाता है 625। जी हां साथियों, अब देखिए हमसे 4 साल का पूछा गया था, हम यहीं से इक्वेट करके निकाल सकते हैं। आप देखिए 16 को आप 4 से भाग करेंगे तो यहां भी आपको 4 से भाग करना पड़ेगा, 4 से भाग करना पड़ेगा यानी दो बार रूट लगेगा 625/81। ये इस तरह पहली बार अगर आप करते हैं तो ये एक रूट हटेगा तो ये 25 का स्क्वायर है और ये 9 का फिर रूट है यानी ये 5 है और 3 है, यानी आप देखें 3 रुपए 5 रुपए बन जाते हैं 4 16 4 सालों में साथियों। अब देखिए कि यहां का कंपाउंड इंटरेस्ट आप देखें तो 2 यूनिट आपको मिलता है। अब बोल रहा है कि 12,000 पे 4 सालों के लिए कितना होगा। आप देखिए अगर 3 रुपए प्रिंसिपल होता तो 2 रुपए हमें सीआई मिलता। अब 12,000 प्रिंसिपल हमें सवाल में दिया गया है यानी इसी 3 की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है 12, यानी एक यूनिट की वैल्यू हमें क्या मिलती है साथियों, आप बोलेंगे 4,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट की यूनिट हमें 2 दी गई है। तो आप ध्यान से देखिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसे हमें मिलता है 8,000 और यही हमारा करेक्ट आंसर है साथियों इस सवाल का। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया हो। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब साथियों ये सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, यहां कोई अमाउंट 12,705 हो जाता है 10% रेट से 2.5 सालों में और वही अमाउंट 17,500 हो जाता है ऐसा ही अगर सिंपल इंटरेस्ट पे उसी रेट से लगाया जाए, तो टाइम पीरियड बताना है कि कितने सालों में एसआई पे वो पैसे 17,500 हुए। मेरे प्यारे साथियों इस तरह के सवालों को भी बेसिक से करने में ही समझदारी होती है। आप जरा ध्यान से देखिए और समझिए, 10% जो आपको मैंने बताया ही है कि पहले साल 100, दूसरे साल अगर 110 है तो तीसरे साल 121 होगा। ये हुआ फर्स्ट ईयर का, ये हुआ सेकेंड ईयर का और ये हुआ थर्ड ईयर का। अब देखिए पूरा थर्ड ईयर हमें नहीं चाहिए, हमें 1/2 चाहिए थर्ड ईयर का। अब आप ध्यान से देखिए तो ये 1/2 करेंगे तो ये कटेगा नहीं, यानी हमें 10 और बढ़ाना होगा सब में जिससे हमारा सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। अब देखिए तो ये होता है हमारा 605 यूनिट। अब अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है 12705। जी हां साथियों, यही वो कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसकी वैल्यू हमें सवाल में 12705 दी गई है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपए ही है। अब आप देखिए, यानी अगर प्रिंसिपल का मैंने 1/10 किया होगा तभी मुझे पहले साल का इंटरेस्ट 1,000 मिला होगा। यहां से प्रिंसिपल मुझे मिलता है 10,000 और अगर एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपी है यानी प्रिंसिपल 10,000 ही है साथियों। अब देखिए प्रिंसिपल 10,000 है और अगर मैं इसका 1/10 करता हूं सेम रेट से तो एसआई आपको पता है एसआई क्या मिलेगा, एसआई मिलेगा आपको 1,000 रुपए पहले साल का एसआई मिलेगा। अब यहां पे देखिए कि अमाउंट हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट से 17,500, तो आप देखिए कि 10,000 तो इसमें प्रिंसिपल ही था यानी इंटरेस्ट 7,500 कितने सालों में हुआ। अब पहले साल अगर 1,000 है तो 7.5 सालों में ही ये 7,500 होगा। बस साथियों यही वो टाइम पीरियड है जो सवाल में आपसे पूछा गया था। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब अगला सवाल देखिए, ये आपके स्क्रीन पर।
साथियों, अब ये सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, यहां 32,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं 10% रेट से 2 सालों के लिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और अगर वही रुपए सेम टाइम के लिए और सेम रेट पर इन्वेस्ट किए जाएं एसआई पर हाफ ईयरली, तो पूछ रहा है कि सीआई कितना ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू एसआई। मेरे प्यारे साथियों, इस सवाल को भी देखिए हम कैसे चुटकियों में निकाल लेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए, 2 साल है यानी एक्चुअल टाइम हमारा 4 बार रेट लगेगा, और 10% है इसका हाफ हो जाएगा यानी 5%, जिसे आप जानते हैं 1/20। अब देखिए यहां ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ ईयर, क्योंकि 4 बार इंटरेस्ट लगेगा। अब देखिए, अगर पहले साल 20 है तो दूसरे साल 21, दूसरे साल 20 है तो तीसरे साल 21, तीसरे साल 20 है तो चौथे साल 21 यूनिट मिलेगा। अब जैसा मैंने आपको सिखाया था, इसको एक लाइन में कर लीजिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे, हमें मिलता है 8,000। इसके बाद हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 और 21, जिससे मिलता है हमें 8,400। लास्ट में हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे जिसे हमें मिलता है 8,820। और उसके बाद आखिरी तो आपको पता ही है, जितने 21 हैं 3 उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 21 का क्यूब, जो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, 9261। साथियों, अब देखिए, अगर प्रिंसिपल का 1/20 मैंने किया तभी मुझे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिला 8,000, जिससे मैं कह सकता हूं प्रिंसिपल की असली वैल्यू मेरे पास होती है 16,000। जी नहीं, 10 और है यानी 1,60,000। और इसी 1,60,000 की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है 32,000। साथियों, यानी एक यूनिट की वैल्यू मुझे मिलती है 0.2। अब सवाल में पूछा है कि सीआई कितना ज्यादा होगा एसआई से, तो आप देखिए कि एसआई तो हर साल 8,000 ही होगा अगर पहले साल सीआई 8,000 है, और अगर मैं इसी को सबसे माइनस करता हूं 8,000 सब में से, तो मुझे मिलता है 400 सेकेंड ईयर में, 820 थर्ड ईयर में और 1261 थर्ड ईयर में। इन्हें जोड़ने पर मुझे मिलता है 2,481। साथियों, यही वो एक्स्ट्रा यानी ज्यादा वैल्यू है यूनिट की, जो सीआई पर आपको मिलेगी अगर एसआई के मुकाबले लगाया जाए। और आप देखिए, एक यूनिट की वैल्यू तो आपकी आ ही चुकी है 0.2। बस अब इसको भी अगर मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देखें मुझे कुछ 496.2 के आसपास मिलता है, जिससे सवाल में अप्रोक्स वैल्यू पूछी गई है, और अप्रोक्स वैल्यू 496.2 होती है 500 के करीब, जिससे मैं कह सकता हूं कि इस सवाल का करेक्ट आंसर 500 होगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल काफी कॉम्प्लेक्स जो दिखने में था उसको आपने बहुत आसानी से समझ लिया है, और अब इसे और इस तरह के सवालों को आप चुटकियों में कर पाएंगे। चलिए अब अगला सवाल देखिए आप। साथियों, अब ये सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, यहां कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलता है 3 सालों का 1456 और 2 सालों का 880। तो बताना है कि प्रिंसिपल क्या था। मेरे प्यारे साथियों, इस सवाल को मैं आपके होमवर्क में रखता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि चुटकियों में आप इस सवाल को निकाल लेंगे। और साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं आज भी आपने बहुत कुछ नया और अच्छा सीखा होगा, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के आखिरी पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।